मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास थर्ड, चैप्टर थर्ड, अडॉप्टेशन इन एनिमल्स. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर द वर्ड अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन इज एन स्पेशल फीचर ऑफ एनी एनिमल टू अडॉप्ट देयर फेवरेबल एटमोसफेयर. अडॉप्टेशन वो एक स्पेशल फीचर होता है हर एनिमल के अंदर जो उन्हें उनकी फेवरेबल एनवायरनमेंट या उनके निवास स्थल को अडॉप्ट करने में उन्हें मदद करता है. दिस चैप्टर इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, अडॉप्टेशन टू एनवायरनमेंट, अडॉप्टेशन फॉर फूड, अडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, एंड देयर आर सम सब टॉपिक्स एज वेल लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एमिफिबियन एनिमल, arboreal animal, aerial animal, then herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavenger and parasites, hair, spines, horns, camouflage. हम एक एक करके सभी को briefly study करेंगे. First of all, we are going to study adaptation to environment. जानवर अपने रहने के स्थान के लिए कौन कौन सी उनके पास स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं वो देखते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एनिमल विच लिव ऑन लैंड, वे जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. लाइक दीज, हियर यू कैन सी lion. Lion is a terrestrial animal, right? Here fox, ox, lion, cow, buffalo, elephant, bear, tiger, camel, these all are terrestrial animal. ये ज़मीन पर रहते हैं. सबके पास अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं टू सर्वाइव. लाइक बियर हैव वेरी थिक लेयर ऑफ स्किन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, राइट. ऐसे ही कैमल हैव पैडेड लेग्स. उन कैमल के जो पैर होते हैं वह पैडेड यानी गद्देदार होते हैं, विच हेल्प देम टू मूव easily in desert. Now aquatic animals, animal which live in water are known as aquatic animal. Animals जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें aquatic animals कहते हैं. Like fish, right? Like fish, whale, राइट. ये सब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ. नाउ एमिफिबियन एनिमल्स, एनिमल्स विच कैन लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर. जो एमिफिबियन एनिमल होते हैं वो ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं. जो एमिफिबियन होते हैं बच्चों, उनके पास लंग्स होती हैं जिससे वो बाहर यानी कि लैंड में सांस ले सकते हैं, और पानी के लिए उनके पास गिल्स तो नहीं होते बट दे हैव मॉइस्ट स्किन. उनके पास मॉइस्ट स्किन होती है जो जिसके थ्रू वो पानी में भी सांस ले सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग एंड स्नेक्स एसेट्रा. Now, next, arboreal animal. Animal that spend most of their time on trees are called arboreal animals. वो animal जो अपना ज़्यादातर समय पेड़ों पर गुजारते हैं उन्हें हम arboreal animals कहते हैं, जैसे कि monkey, chimpanzee and all, right? Next, aerial animal. Aerial animal वो जानवर होते हैं बच्चों जो
हवा में उड़ते हैं और अपना टाइम हवा में ही व्यतीत करते हैं, जैसे कि स्पैरो बर्ड, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड, पिजन्स एक्सेट्रा. नाउ वी हैव नेक्स्ट अडेप्टेशन फॉर फूड. अब अपने भोजन के लिए जानवर के पास कैसी कैसी क्वालिटीज़ होती हैं वो हम देखते हैं. हर्बीवोरस एनिमल, एनिमल विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, वे जानवर जो हरे पेड़ पत्ते खाते हैं या हरे पेड़ पत्तों के द्वारा निर्मित चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स के बच्चों जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं और बैक टीथ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं. आगे के टीथ, उनके फ्रंट टीथ जो शार्प इसलिए होते हैं ताकि वो ईजिली प्लांट्स को वो तोड़ सकें और फ्लैट टीथ उन्हें ठीक से च्यू कर सकें. सेकेंड, कार्निवोरस एनिमल. हर्बीवोरस के आप एग्जांपल दे सकते हैं, या जिराफ, राइट, काउ, राइट. कार्निवोरस एनिमल, एनिमल विच ईट फ्लैश, वे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल कहते हैं. बच्चों, इनके जो टीथ होते हैं वो आगे से बहुत पॉइंटेड और नुकीले होते हैं और जो पीछे के दांत होते हैं यानी कि बैक टीथ जो होते हैं वो बहुत फ्लैट होते हैं. आगे के उनके जो फ्रंट टीथ शार्प और पॉइंटेड इसलिए होते हैं ताकि वो ईजिली मांस को यानी कि फ्लैश को आराम से टियर यानी कि फाड़ सकें. एग्जाम्पल आपको पता ही है, टाइगर, लॉयन, फॉक्स एक्सेट्रा. ओमनीवोरस एनिमल, वो जानवर जो प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट तो खाते ही खाते हैं प्लस वो फ्लैश मांस भी खाते हैं, जैसे कि का, जैसे कि डॉग. डॉग फ्लैश भी खा सकता है और डॉग प्लांट प्रोडक्ट्स और प्लांट्स भी आराम से खा सकता है. एनिमल्स हैव बोथ टाइप ऑफ टीथ, इनके पास पॉइंटेड नुकीले दांत भी होते हैं और फ्लैट टीथ और शार्प टीथ भी होते हैं. नाउ पैरासाइट्स. बच्चों, पैरासाइट्स जो एनिमल होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर पर निर्भर होते हैं. एनिमल्स और इंसेक्ट विच सक देयर फूड. पैरासाइटिक जो एनिमल्स या इंसेक्ट होते हैं वो अपने खाने को क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं. उनके पास टीथ तो नहीं होते बट दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प देम टू सक देयर फूड, जस्ट लाइक बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो. बटरफ्लाई के पास जो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर्स से नेक्टर को सक कर लेता है, सेम एज मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी से ब्लड को सक कर लेता है. नाउ स्कैवेंजर्स. बच्चों, जो स्कैवेंजर्स होते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल क्लीनर भी कहते हैं. स्कैवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल. आई हैव टोल्ड यू, जो स्कैवेंजर्स होते हैं वे वो जानवर होते हैं जो दूसरे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं. इन्हें हम यूनिवर्सल क्लीनर भी कहते हैं क्योंकि मरे हुए जानवरों को अगर कोई खाएगा नहीं तो वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल क्लीनर भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ईगल, हाइनास एंड वल्चर्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर. हाइनास के पास बहुत ही पॉइंटेड शार्प टीथ होते हैं जो उन्हें ईजिली दूसरे मरे हुए जानवर का फ्लैश खाने में मदद करते हैं. और ईगल और वल्चर ये बर्ड हैं और इनके पास कर्व्ड बीक होती है जिससे ईजिली फ्लैश को टियर कर सकते हैं. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, बच्चों, अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं. लाइक सम एनिमल्स यूज स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. सम हैव मूवमेंट, डू मूवमेंट. सम हैव हॉर्न्स, स्पाइंस, हेयर एंड कैमोफ्लेज. स्ट्रेटजीज मतलब कुछ जानवर स्ट्रेटजी बिल्ड करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. लाइक एलिफेंट और जो काऊ होते हैं, काउज होती हैं, वो क्या करती हैं बच्चों, वो झुंड में चलती हैं हमेशा,
झुंड में चलती हैं, और उस झुंड के जो छोटे बच्चे होते हैं या न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो झुंड के बीच में रहती हैं, और हेल्दी एनिमल्स, हेल्दी एलिफेंटों का उनको बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। अब आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट में बच्चों एनिमल्स के पास, एनिमल्स कुछ ऐसी मूवमेंट करते हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। आपने चूहे देखे होंगे, बिल्लियाँ देखी होंगी, कैंगरू होंगे, ये बच्चों बहुत स्पीड में भागते हैं। आप बिल्ली को आसानी से पकड़ नहीं सकते, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। वो अपनी मूवमेंट्स, अपनी फास्ट मूवमेंट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब होते हैं सींग। जो राइनोसॉरस होते हैं उनके, उसको आपने देखा होगा, उसके पास एक सींग होता है। काओ, बफेलोज, इन सब के पास सींग होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइंस, स्पाइंस यानी कि बच्चे कांटे। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके कांटे होते हैं और वो अपने कांटों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉक्यूपाइन, पॉक्यूपाइन के पास कांटे होते हैं तो वो ईजिली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ फर, फीदर्स, हेयर। बच्चों जो फर और फीदर्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, राइट। फर एंड हेयर जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। फीदर्स बर्ड के पास होते हैं, लाइक अब बैर होता है, भालू, ठीक है। भालू के पास छोटे 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 बाल होते हैं उसकी बॉडी पर, जो उसको एक्सट्रीम कोल्ड में रहने में मदद करते हैं, राइट। उसको एक्सट्रीम कोल्ड में रहने में मदद करते हैं। एंड बर्ड्स के पास फीदर्स होते हैं जो उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज बच्चों एक फिनोमिना है, एक स्टेट है, ठीक है, जिससे एनिमल जो होते हैं वो अपने आप को एक एक्टिविटी परफॉर्म करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक कमेलियन जो होते हैं बच्चों, गिरगिट जिन्हें हम कहते हैं, वो खतरा भांप कर अपने कलर को, अपने बॉडी कलर को किसी दूसरे कलर में चेंज कर लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, ताकि उन्हें कोई देख ना पाए और वो इजीली अपने एनिमीज से बच सकें, राइट। हेयर आर सम फोटोज। हेयर पॉक्यूपाइन, इसकी बॉडी पे आप देख रहे हैं कैसे कांटे हैं, राइट, स्पाइंस, एंड हेयर इज पिक ऑफ कैमेलियन। ओके स्टूडेंट, नाउ योर क्लास फोर्थ चैप्टर थर्ड इज फिनिश। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल स्टडी वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ अपडेटेड वीडियोस। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।